送れ。बारिश भी आ रही हो, कुली भी नहीं मिलेगा साहब। कुली? हाँ हाँ हाँ, उठाओ उठाओ, वेटिंग रूम में जाना है। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में है? हाँ हाँ है, आइए। हाँ, चलो चलो। छुट्टा तो नहीं है साहब? ठीक है, रख लो, सुबह को गाड़ी पे बैठा देना। एक्सप्रेस से जाएंगे साहब? हाँ, 7:30 की गाड़ी है। यहाँ कोई कैंटीन है? जी हाँ है, ठंडा चाय मिलता है। ठंडा चाय मतलब? जी जी, मतलब ये चाय और ठंडा। चाय भेज दो साहब? हाँ, वेटर को भेज दो। अच्छा साहब। शाबाश पिता, शाबाश। बिस्किट खा लो, फिर घर चलते हैं, खाना खिला दूंगी, खा लो। Excuse me? Yes, please. यहाँ कोई लेडीज का वेटिंग रूम भी है? फर्स्ट क्लास का तो एक ही है, लेडीज और जेंट्स दोनों का। दूसरा कमरा जो है बहुत गंदा है, वेरी डर्टी। पर आप यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए, कोई घबराने की बात नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा स्टाफ होल नाइट ड्यूटी पर रहता है। प्लीज टेक रेस्ट, डोंट वरी एट ऑल। क्या देख रहे हैं आप? आपका सूटकेस देख रहा था। क्यों? मेरी चाबी खो गई है, देख रहा था कहीं वीआईपी तो नहीं है। उनकी चाबी एक दूसरे में लग जाती है। जी नहीं, मेरा तो सैमसोनाइट है। सॉरी। वही है वीआईपी, लग जाएगी चाबी। एक महिला का है, बाहर गई हुई हैं, आती ही होंगी, उनसे मांग लेना। Oh.
क्या है सुधा? क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए। अरे डार्क रूम में और क्या कर सकता हूँ, तस्वीर निकाल रहा हूँ। किसकी? एक लड़की की है। कौन है? इस लड़की से 2 महीने हुए मैंने शादी की है। जीजा जी चलिए, कार आ गई है, मामा जी भी आए लेने के लिए। क्यों भाई साहब, खुला नहीं बैग? चाबी मांगी आपने? अरे भाई साहब, इसमें शर्माने की क्या बात है, सफर में तो काम आते ही हैं लोग। बहन जी, भाई साहब की चाबी गुम हो गई है। वीआईपी है, शायद आपकी चाबी लग जाए, दे दीजिए, शायद काम आ जाए इनके। प्लीज हेल्प हिम। साहब किधर गए साहब? अरे मैम साहब इधर कुछ साहब आए। हाँ नहाने गए हैं। ओ क्या है? कुछ नहीं मैम साहब, टाइम देख रहा था। कहाँ नहाने गए हैं? मैम साहब सामने चाय मंगाइए। हाँ बाहर निकलने के बाद ले आना, जा। ठीक है मैम साहब। खामा खा मुझे चौकीदारी पे बिठा गए, मैं नहीं होती तो। गरम चाय साहब। 2 कप किस लिए? साहब मेम साहब ने बोला था, इसलिए मैं सोचा वो भी पियेंगी। अच्छा जाओ। मैंने तो सिर्फ चाय के लिए कह दिया था, इडियट। अब आ गई है तो पी लो। आप तो जानते हैं मैं चाय पीती नहीं। हाँ जानता तो हूं, लेकिन ले आया है, कभी कभार पी तो लेती थी। बना दूं थोड़ी सी? लाइए मैं बनाती हूँ। वो एक चम्मच ना? नहीं शक्कर नहीं। ये कब से? 5 साल हो गए।
तभी से। कहाँ जा रही हो तुम? पटना। रहती हो वहीं? पढ़ाती हो अब भी? जी हाँ। कोई म्यूजिक? जी। चश्मा कब से लगा लिया? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा लगता है, समझदार लगती हो। 5 साल पहले समझदार नहीं लगती थी। नहीं लगती थी, अब ज्यादा लगती हो। आपने दाढ़ी कब से बढ़ा ली? कुछ दिनों से। क्यों, समझदार नहीं लगता मैं? आप यहां कैसे? कैंपेन के लिए गया था दार्जिलिंग, वापस जा रहा हूं। कहां? घर। वहीं वहीं रहते हैं आप? वहीं, वही शहर है, वही गली, वही घर। सब कुछ वही तो नहीं है, लेकिन है वहीं, उसी जगह। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम दादू। चरना जिधर हो बेटे, आ गए हैं जी। जाओ स्नान कर लो, जा। मैं घर जाके नहा लूंगा दादू। अरे नहाती तो गाय भैंस हैं बेटे, स्नान मर्द लोग करते हैं। हाँ क्यों, जनेऊ नहीं पहना ना? पहन ले बेटा, पहन ले। मेरे बात तुझे कौन कहने वाला है रे? थोड़े दिन रह गए बस, मर जाऊंगा मैं तो मेरा पिंडदान कौन देगा रे? पहन ले है? पहन ले। दादू गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? अरे चलती कहाँ है, परेशान करती है बस, बहुत तंग करती है। क्यों, विंटेज वैल्यू तो है ना? अरे विंटेज वैल्यू कहाँ, न्यूसेंस वैल्यू है। अरे 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 दादू, दांत तो ब्रश करके आया हूँ। मुंह ना सही, फल तो धोले बेटे। अच्छा है, अच्छा मीठा है ना? बहुत अच्छा। भेज दूँ एक पेटी अपने बगीचे का? नहीं दादू, बेकार वेस्ट हो जाएंगे, मैं रहता हूँ घर पे। तू क्या स्टूडियो में रहता है? बाहर आने जाना बहुत पड़ता है ना कैंपेन के लिए। हाँ, काम तेरा जम गया है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। वाह वाह वाह। आओ पार्वती आओ। प्रणाम। जमाई राज आ गए हैं, हमने बुलवा लिया, फिर मत कहना। मैं कब कुछ कहा करती हूँ? आप पूछ लो इनसे जो पूछना। मैं क्या पूछूंगी भाई साहब? बैठो भाई बैठो, खुद ही तो कहती हो कि अगले महीने तारीख निकली है, अब दूल्हे मियां से भी तो पूछ लो वो तैयार है कि नहीं। अब आप ही पूछ ले, हमको तो 5 साल हो गए इंतजार करते। सुन लिया भाई? वैसे बात ठीक है, 5 साल बहुत होते हैं मंगनी के बाद। पहले तू पढ़ लिख रहा था तो हमने कुछ नहीं कहा, हम लड़की को पढ़ाते रहे। फिर तूने काम काज की जरूरत बताई तो हमने कहा ठीक है दुकान खोल ले। वैसे अर्ली मैरिज के हक में हम भी कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। और 2 साल निकल गए, फिर सुधा ने नौकरी कर ली, पंचकनी में पढ़ाती है, मालूम है ना तुम्हें? जी। वैसे आई होप यू आर नॉट इन्वॉल्व विद एनी अदर गर्ल, आई होप यू नो। नो देयर इज नथिंग। हिंदी में बात कीजिए ना भाई साहब, किस गर्ल की बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे मैं पूछ रहा था, किसी और लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है? तुम तो जानती हो आज तो फिर सुधा का क्या होगा, 5 साल से वो कुछ नहीं होगा। वैसे शनिवार को सुधा जब आएगी तुम भी उससे पूछ लेना। हाँ उससे क्या पूछना है,
आपकी चरण धूली तो वो आंखों से लगाती है। आपने जो कुछ भी कहा वो मुझसे भी ज्यादा मानती है। देख देख पार्वती, वो सब शुरू मत कर। हैं, हमें भी कम अभिमान नहीं सुधा पर, अपने बेटे से ज्यादा मान देते हैं हम उसे। हाँ, तू सुधा से कह दे अब कि हम तारीख नहीं बदलेंगे। बस 7 तारीख कही थी ना? हाँ। अगले महीने? उसमें तो सिर्फ 8 दिन है दादू। तो तुम्हें क्या करना है, मंडप में आके बैठ जाना। हमें ज्यादा तामझाम पसंद नहीं। लेकिन दादू मैं, तुम जल्दी नहीं आ सकते, तुम 6 तारीख को आ जाना। हाँ, शादी साथ की तय, हम खुद शादी करवाएंगे, मंत्र भी हम पढ़ेंगे। शुद्ध शांत द्वैताधारी, त्रिमूर्ति तापर मंगलकारी, शरण पड़े हम समर्थ प्रभु की, आरती सदगुरु देव दयाल की, सचित आनंद धाम की, आरती सदगुरु देव दयाल की। तो आपने दादू से क्यों नहीं कहा? हिम्मत नहीं हुई। जब मंगनी हुई थी उस वक्त सचमुच कोई नहीं था। माया से मिले 2-2.5 साल हुए हैं, और इन सालों में ऐसा नहीं हुआ कि वो शहर में हो और हम साथ ना हो। मतलब हम दोनों ने सिर्फ शादी नहीं की, वरना मेरा मतलब है दोनों साथ रहें, एक साथ। Now what can I say? मुझसे क्या चाहते हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी ना हो, मतलब कैंसिल हो जाए, मतलब मैं ये कह दूं कि मुझे कोई और मिल गया है। सच तो ये है कि पिछले 2 सालों से मैं कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। आप इंडिपेंडेंट भी हैं, घर से दूर अकेली रहती हैं, और यूं भी तो मतलब देखने में खूबसूरत हूँ, है ना? क्या फायदा, आप ही ने पसंद नहीं किया तो दूसरा कोई कैसे गले बांध लेगा? ऐसा मत कहिए, मैं वैसे ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में, इसलिए ईमानदारी के साथ आपके पास आ गया हूँ। दादू तो शायद जान से ही मार डाले मुझे, और मेरी माँ तो शायद सदमे ही से मर जाए, आप नहीं जानते उसे। फिर क्या करूं? मेरी मानिए, जिंदगी को लगाम मत डालिए, आपके मोड़ने से ये नहीं मुड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा टीचर की तरफ बोलती हूँ ना। देखिए, जो सच है और सही है वही कीजिए। यानी आप माया को साथ लेकर सीधे दादू के पास चले जाइए, और जैसा वो कहे वैसा कीजिए। और अगर उन्होंने वो कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, इतना मैं जानती हूँ। दादू ने सिर्फ आप ही को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, मैं भी कुछ उनके आसपास ही पली। और आपकी माँ, वो पहले भी दादू ही की जिम्मेवारी थी, अब भी वही संभालेंगे। माधो, माधो। हाँ साहब। कोई आया था क्या? माया मेम साहब आई थी, कुछ जल्दी में थी, अंदर से कुछ चीजें लेके चली गई। कुछ कहा उन्होंने? कह रही थी कुछ चिट्ठी लिख के जा रही हूँ। माधव,
कहाँ चिट्ठी? हमें क्या पता साहब, हमको तो बस बोल के चली गई। पर गई कहाँ? इतना कभी बताती हैं क्या? आप तो जानते हैं हमेशा जल्दी में रहती हैं। हेलो मोना। ओ हाय महेंद्र, तुम वाई से कब आए? हाँ अभी पहुंचा, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, कब से कोशिश कर रहा हूं। कॉफी पियो? कॉफी पियोगे? माया कहाँ है मोना? माया हाँ here it is. Oh, hell. चलते चलते मेरा साया कभी कभी यूं करता है, जमीन से उठ के सामने आकर हाथ पकड़कर कहता है, अब की बार मैं आगे आगे चलता हूं और तू मेरा पीछा करके देख जरा क्या होता है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। माया ने कहा था जब तुम लौटोगे तो जरूर मिलने आओगे। कहाँ गई वो? कब गई? तुम्हारे जाने के 2 दिन के बाद। कहाँ? उसने कभी बताया है क्या? और आएगी कब? वो भी नहीं बताया। खुद ही नहीं जानती तो किसी को क्या बताएगी। तुम तो जानते हो पिछली दफा जब गई थी तो 3-4 महीने तक गायब थी, और उससे पहले उस बार तो वो घर गई थी। घर? घर है ही कहां? वहीं से तो भागी फिरती रहती है वो। उसके माँ बाप भी उसे तंग आ चुके हैं। उन्होंने तो उसी दिन उसे त्याग दिया था जिस दिन वो फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्ट्रेस बनने गई थी। हेल, अब मैं उसे ढूंढूंगा कहां? रिलैक्स महेंद्र, ढूंढने से नहीं मिलेगी वो। वो चीज ही कुछ ऐसी है, जैसे वो मेरे पास आ टपकी उसी तरह तुम्हारे पास आ पहुंची। उसी के लफ्जों में, मोना मैं सूखे पत्ते की तरह उड़कर महेंद्र के कॉलर पर जा अटकी। इतने दिन तो वो तुम्हें मिलने के बाद ही टिकी है, वरना वो तो मोना अगर इस बार वो कल परसों तक नहीं लौटी तो सब खत्म हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा? शादी। किसके साथ? सुधा के साथ। क्या है सुधा? क्या कर रहे हैं आप, दरवाजा खोलिए। अरे डाक रूम में और क्या कर सकता हूँ, तस्वीर निकाल रहा हूँ। किसकी? एक लड़की की है। कौन है? इस लड़की से 2 महीने पहले मैंने शादी की है। मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, तस्वीर या शादी? ओफो, आप दरवाजा तो खोलिए। आ जाओ। ओफो। ये देखिए आपकी शादी की तस्वीर। वो रामगोपाल बैठा हुआ है, उसे पैसे देने। दे दो पर्स में से। कहाँ है? वो पड़ा हुआ है। आप ही निकाल दीजिए, 40 रुपए। क्यों, ले लो ना। मैं शायद तंग ख्याल नजर आती हूं, लेकिन मैं ऐसी हूं, पॉजेसिव भी स्वार्थी भी। बुरा मत मानो सुधा, मैं जानता हूं माया बहुत ज्यादा बसी हुई थी इस घर में, अब हर जगह से तो निकाल दिया है उसे। कहीं
पैसे लेते जाओ। ये लो, ये चाय के लिए, बाकी छुट्टा रख लो। अच्छा सुनो, यहाँ पर कुछ खाने वाने को मिलेगा क्या? अभी तो सब बंद हो गया साहब। कुछ भी नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं साहब। बिस्कुट विस्कुट समोसा मोसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिलेगा साहब। ठीक है जाओ। थैंक यू साहब। बारिश तो और बढ़ गई, लगता नहीं आज थमेगी। बरस जाएगी तो अपने आप थम जाएगी। अरे अब भी माचिस रखती हो? पहले तो मेरे लिए रखती थी और अब अपने लिए रखती हूँ। मतलब सिगरेट पीना शुरू कर दिया क्या? नहीं, आपके भूलने की आदत नहीं गई, मेरी रखने की आदत नहीं गई। आदतें भी अजीब होती, सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। जिए जाते हैं जिए जाते हैं, आदतें भी अजीब होती हैं। माया की नज्म है। माया को बारिश बहुत पसंद थी ना? हाँ, थी तो। अब नहीं जाती वो बारिश में घूमने? कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? सुबह की, रात की गाड़ी कैंसिल हो गई ना, इसलिए दूसरी सुबह ही मिलेगी, 7:30 बजे की। मेरी गाड़ी का भी वक्त वही है। पता है मुझे, आप कूली से बात कर रहे थे तभी समझ गई थी। एक रात के लिए तो क्या? एक रात के लिए? एक रात के लिए तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, है ना? मैंने ये तो नहीं कहा था। हाँ कहा तो नहीं, लेकिन खैर, जहां इतने साल बर्दाश्त किए थे उसमें एक रात और जोड़ लो। किसने बर्दाश्त किए थे? तुमने? नेचुरली। मैंने कहां कुछ बर्दाश्त किया। मैंने कोई बेईमानी की थी तुम्हारे साथ? देखिए, ये घर नहीं है, वेटिंग रूम है। घर भी तो वही था, एक वेटिंग रूम। आप क्यों वो सब शुरू करना चाहते हैं? मैंने तो कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर कुछ कहा होता। बहुत बारिश हो रही है बाहर, हवा में काफी खुनकी आ गई है ना? क्या पी रहे हैं आप जी? यूं ही थोड़ी सी, वरना ठंड लग जाती है मुझे। क्या है, विस्की है? जी हाँ। आप पीते हैं? हाँ पीता हूँ। बनाओ एक गिलास। एक गिलास पूरा? नहीं नहीं मैम, एक पैग। हाँ बना दीजिए जी। नहीं हा? कोई जरूरत नहीं, ये नहीं पीते। अरे बारिश बहुत हो रही है भाई, ठंड वंड लग गई तो।
नहीं लगती ठंड, जैकेट पहन लीजिए आप। लीजिए, विस्की ना पी जैकेट पहन लिया, ऐसा भी कहीं होता है? बहुत फर्क है भाई। क्यों स्टेशन मास्टर साहब? आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, याद नहीं आप ही ने तो शाम को चाबी लेकर दी थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बहुत पहले से। बहुत पहले से मतलब जन्म जन्मांतर का रिश्ता विश्ता नहीं है, बस एक रात की बात है। आदमी अच्छी तरह काट ले तो बहुत है। क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, और है क्या, ये जिंदगी भी तो एक वेटिंग रूम है। वही वही, मैं भी वही कह रहा था इनसे। आप बस भी कीजिए ना। स्टेशन मास्टर साहब, जिंदगी के इस वेटिंग रूम में कुछ खाने वाने का इंतजाम हो सकता है? खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, इस वक्त तो यहाँ का चाय वाला भी चला गया बंद करके। आप कुछ खाते नहीं हैं, पीते ही रहते हैं बस। खाता हूँ, दो उबले हुए अंडे हैं मेरे पास, एक आप ले लीजिए। नहीं, क्या है कि ये मेम साहब तो वेजिटेरियन है, अंडे को हाथ लगाना तो क्या देखती भी नहीं है अंडे की तरफ। बाहर जाके कुछ इंतजाम नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल है साहब, हर तरफ पानी भरा हुआ है, जाने के लिए टांगा रिक्शा कुछ नहीं मिलेगा। कहें तो सोने के लिए तकिया भिजवा दूं। अरे तकिया खा के नींद थोड़ी आएगी साहब। अब छोड़िए भी, जाने दीजिए उन्हें। बहुत हंसमुख है साहब, अगर आप अकेली होती तो घबरा जाती। हाँ वो स्टेशन मास्टर क्या समझता होगा? क्या समझता होगा, समझेगा मैंने तुमको पटा लिया और क्या? जी। तो ठीक ही तो समझेगा, पुराने जन्म जन्मांतर के वाकिफ हैं। मैं जाके कुछ खाने वाने का इंतजाम करता हूँ। रहने दीजिए ना, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है, मुझसे पहले की तो तुम यहाँ बैठी हुई हो, कुछ खाया भी नहीं होगा। लेकिन मुझे भूख नहीं है। फिर वही सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस ऑल द टाइम। मैं जाके देखता हूँ। ढूंढ रहे हैं आप? वो साइकिल किसकी है? क्या कीजिएगा, मैं सोच रहा था बाहर जाके जरा कुछ खाने वाने का देखा जाए। बहुत नीचे जाना पड़ेगा और बारिश भी हो रही है। अरे आप साइकिल तो दिला दीजिए, कोशिश तो मैं करता हूँ। ले लीजिए। रेनकोट होगा आपके पास? रेन वेन कोट नहीं है, छतरी का इंतजाम हो सकता। साइकिल पर छतरी तो ले जाओ। ले लीजिए।
कौन है? दास, दरवाजा खोलो पारो। कहाँ चले गए थे आप? खाना लाने गया था आपके लिए, गर्मा गर्म। क्या हो गया है आपको? आप तो आधे पागल हैं सच्ची। आधा क्यों? पूरे पागल हैं बस। चलिए उधर बैठिए। कपड़े बदल लीजिए। हाँ मैं निकाल देती हूँ, आप बदन पोछ लीजिए। देखा ना सर्दी लग गई। तो वो पड़ी है वहां, पी लूं थोड़ी। चलिए चलिए जाइए, लगी नहीं तो लग जाएगी। ओ माँ, क्या हुआ क्या हुआ? बड़े गए थे खाना लाने। ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाए। ये लीजिए, सुबह सुबह कितने कप चाय पीते हैं आप? जितने मिल जाए। और अगर ना मिले तो? तो मांगता रहता हूँ जब तक मिल ना जाए। तो फिर आप बेशक मांगते रहिए, चाय तो और नहीं मिलेगी। वजह पूछ सकता हूँ? न दूध है न चाय न चीनी। झूठ बोल रही हो। हाँ बड़ी कमीनी हो। अरे बैठो बैठो ना, क्या सुबह सुबह बीवियों की तरह काम करना शुरू कर दिया। बैठो यहाँ, दुनिया के हालात सुनो। इंदिरा जी ने क्या छुट्टी की है जनता की, रायबरेली की सीट तो जीती और साथ में मजा आती। अच्छा बैठो बैठो, इंटरेस्टिंग खबर सुनाता हूँ। रोनाल्ड रेगन के इलेक्शन से एक बात तो साबित हो गई। क्या? कि बुरे एक्टर प्रेसिडेंट जरूर बन सकते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अरे सुनो तो, दुनिया में क्या हो रहा है उसमें तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? घर में क्या हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी है आपको? हाँ क्यों नहीं है, क्यों भाई क्या हो रहा है घर में? आपका नाश्ता तैयार हो रहा है, जैसे आप नहा कर आएंगे मेज पर लगा दिया जाएगा। और ऑफिस का टाइम आपको खुद ही मालूम है, मैं बीवियों की तरह याद नहीं दिलाऊंगी। जाए तो अच्छा है, ना जाए तो और भी अच्छा है। तुम्हें देख के लगता नहीं कि पहली बार शादी हुई है तुम्हारी? मतलब? मतलब बड़ी एक्सपर्ट भी ही दिखाई देती हो। ये जनेऊ किस लिए? दादू आ रहे हैं क्या? हाँ माँ का फोन आया था, दादू बद्रीनाथ जा रहे हैं, जाने से पहले मिलके जाना चाहते हैं। बोले ओम भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब भी दादू से कुछ कम नहीं है, बड़ी गंभीर आवाज में मंत्र पढ़ती। जरा देखना। हेलो, हाँ मैं सुधा बोल रही हूँ जी, एक मिनट मैं अभी देती हूँ। आपका फोन है। कौन है? माया, उसे कह दो दफ्तर में फोन कर ले। आप खुद ही कह दीजिए।
हेलो सुधा, सुधा सुनो, ऐसे छोटा ना करो मुझे। मैंने कुछ छुपाया तो नहीं तुमसे? माया से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो फोन कर लेती है। मैं बर्दाश्त कर पाता हूं, इसलिए फोन भी नहीं करता हूं, मिलता भी नहीं। लेकिन सच तो यह है कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ने की, हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर जीने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ तो तुम हो, उसके साथ तो कोई भी नहीं। मामू, क्या बात है यार? एक मिनट, इसका मैं माया का फोन है, कह दूं नहीं है? क्यों, मैं अपने कैबिन में ले लेता हूं। क्यों रे? हेलो माया। महन, जानते हो दीदी की आवाज तुमसे ज्यादा प्यारी है। ऐसे लगता है कांच के गले से निकल रही है। मैं दीदी से बात करना चाहती थी लेकिन डर गई। दीदी मारेंगी तो नहीं? कम से कम फोन पे तो नहीं मार सकते? महन, सांसें बहुत छोटी छोटी हो रही हैं, सवैयों की तरह। एक बहुत लंबी सांस मुझे उधार दे दो ना प्लीज, पुणे से महानजदारा तक। बस फिर मैं बहुत दिनों के लिए तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मैं वैसे ही कई लोगों के लिए दुख का कारण बनी रहती हूं, अब और किसी के लिए नहीं बनना चाहती। और तुम्हारे लिए सुनिए, ये क्या है? ये 3 गज लंबा मफलर? ये कहां से मिला? ऊपर अटैची में पड़ा था, मगर ये है क्या? मफलर ही है, पर कहते कुछ और हैं इसे। माया का है, नेपाल से लाई थी। और भी कुछ चीजें पड़ी हैं उसकी, बहुत कीमती लगती हैं। उसे देख क्यों नहीं देते? काम आ जाएंगी। मसलन? एक वुलन कोट है, बहुत खूबसूरत है। एक जीन्स है, कुछ मेकअप का सामान पड़ा है, गॉगल्स हैं, ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना मैं। मुझे रखने में कोई एतराज नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि सब कीमती चीजें हैं, बड़े बड़े जाया हो जाएंगी। ठीक है, निकलवा लो, माधव के हाथ भिजवा दूंगा। नहीं, बुरा लगेगा, आप खुद क्यों नहीं दे आते? या कम से कम फोन कर दीजिए।
देखिए ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ पेपर्स थे यहाँ रखे हुए। खत ना माया के? हाँ। मैंने रखे, देती हूँ। लीजिए। इसमें तो तुम्हारे जेवर थे ना? हाँ, मैंने अपने निकाल के आपके रख दिए। लो, रख लो जेवर इसमें। ये क्या कर रहे हैं आप? खत वापस भेज रहे हैं? भेज दूँ? बुरा मान गया आप। आप कहे तो मैं ये सामान भी वापस नहीं भेजती। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? नहीं नहीं, मैं यूं ही पूछ रहा था। ये खत नहीं, नज़में हैं उसकी, जो उसने जगह जगह से भेजी है मुझे। तुम सामान बांध दो, मैं भिजवा दूंगा, मोना से कह दूंगा ले जाएगी। सुनाओ ना। मैं तो मिला रही हूँ। किससे? तार मिला रही हूँ। अच्छा भला बज तो रहा है, गाओ ना। आप गाइए, मैं सुर देती हूँ। अरे हमारी म्यूजिक सेंस की पूछो मत, डर के भाग जाओगी। तो सीख लीजिए। हाँ, एक बार कोशिश की थी, बस काफी था। मैं वायलिन बजाना सीखता था। अच्छा? जब स्कूल में था, दादू ने वायलिन ला दी और बजानी मुझे पड़ गई। जब भी मैं वायलिन बजाता था, बाकी सब लड़के हंस पड़ते थे। क्यों? मैंने बजानी छोड़ दी। लड़के क्यों हंस पड़ते थे? ओहो, बचपन में मैं लेफ्टी था ना, वायलिन उल्टी पकड़ता था। आप वायलिनिस्ट बनना चाहते थे? अरे बनना तो बहुत कुछ चाहता था, बन कुछ और गया। अच्छा, क्या बनना चाहते थे? हंसोगी? नहीं, मैं नहीं हंसूंगी, बताइए ना। नहीं हंसोगी? मैं एक्टर बनना चाहता था। सच, अपनी शक्ल स्क्रीन पर देखने का इतना शौक था। तुम्हें याद है जब हमारी मंगनी हुई थी, उस वक्त मुझे न्यूज रीडर का चांस मिला था। एक दिन खबरें पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि इन खबरों में थोड़े जज्बात डाल दिए जाएं, थोड़े से। तो मैंने कहा कि गंगा में कश्ती पलट जाने के कारण 45 लोग लापता हैं, 30 लाशें मिली हैं और 15 लाशों का कुछ पता ही नहीं। तुम ले लो। आप लो, मेरा थोड़ा ही। हेलो। हाँ, कैसी हो? हाँ हाँ, वो यही है, सामने ही बैठी है। तो तुम उनसे खुद ही कह लो ना। हाँ, वो यही है अभी। तुम उनसे बात करना चाहती हो ना? मुझे नहीं बात करनी। बुरी बात है सुधा, अब मैंने कह दिया है, सिर्फ हेलो तो कर लो। नहीं नहीं प्लीज। देखो सुधा, वो तुमसे बात करना चाहती है, सिर्फ हेलो कह के फोन रख देना, बेशक तुम्हें मेरी कसम। हेलो। हाँ? कौन? माँ? अरे मैं समझी, मैं खामखा हंस रहे। हाँ, क्या हुआ? नहीं। हाँ, मैं दो चार दिनों में आ जाऊंगी। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तुम?
चलिए चलिए, माधव कर देगा सुबह वो सब। माधव सो गया लगता है। सो गया होगा तो फिर उसे जगाने की क्या जरूरत है, चुपचाप चलते हैं अंदर। ये लो। साहब क्या है माधव? एक तार आया है साहब। तार? कहीं दादू का तो नहीं है? ओ माँ सर्वबाधा पुष्मनम एलोकस्य अखिलेश्वरी एवं एवत्वय कार्यम अस्मत वैर विनाशे। माचिस तो आपके पास होगी ही। जी माचिस भी है, सिगरेट भी। वो तुम्हें याद रहे। सुधा माजी को माजी ना बनाया। माजी तो, माजी पास्ट बीता हुआ, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, उसे रोक के मत रखो। आपने भी तो कहा था कभी कभी पी लेती हो, इसलिए पी ली। पहले तो वो चाय वाला है ना, उसने भी तुम्हारे जैसा जवाब दिया। क्या? कि दूध पत्ती खत्म हो गई है साहब। फिर आपने भी ऐसे जवाब दिया होगा। क्या बड़े कमीने आदमी हो। नहीं ऐसी बात कहता तो वो चाय हरगिज नहीं बनाता। वैसे ही वो आधी नींद में था, मैंने उसे जगाया तो। अरे ओह हेल, बस इसी की कसर थी। लगता है पूरे स्टेशन की बत्ती गई। माचिस कहाँ है? तू ही बैठी रहना, हिलना मत यहाँ से। जा रहे हैं बाहर जाके देखता हूँ कुछ लालटेन वालटेन का इंतजाम हो जाए तो। ठहरी ठहरी ना, मैं अकेले नहीं रहूंगी। चाय तो पी लो। पी ली। अच्छा आ जाओ। संभल के। क्या करती हो, अंधी हो क्या? कहा नहीं था तुमसे चुपचाप बैठी रहो अंदर? दो मिनट रुक नहीं सकती क्या? लगी क्या हा? लगी ना? I'm sorry. इतने साल गुजर गए लेकिन आदत नहीं जाती। आदत भी चली जाती है, अधिकार नहीं जाते। तुम बैठी रहो यहाँ पे, हिलना मत यहाँ से, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप, फिर भीग जाएंगे। नहीं नहीं उसके पास मोमबत्ती थी, जरा लेके आता हूँ। ये माचिस रखो, हिलना मत यहाँ से। मोमबत्ती दी नहीं ससुरे ने, चलो कुछ तो हुआ। अब अच्छा यही है वो उधर आराम कुर्सी पड़ी है, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। क्या वो लगी? बहुत जोर से लगी? घुटने पे लगी? देखो। नहीं अरे देखने तो दो। यहाँ खून निकल रहा है। एक मिनट इसको ऐसे रखना, ऐसे रखना। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पी नहीं रहा हूं, तुम्हारे लिए दवाई का इंतजाम कर रहा हूं। न...
ध्यान दें, सुरक्षा संकेत बंद कर दिए गए हैं। आप चाहें तो कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं और धूम्रपान कर सकते हैं, परंतु यात्रा में कुर्सी की पेटी बांधे रखना ही उचित है। धन्यवाद। बड़ी जल्दी खत्म हो गया हमारा हनीमून। मैं तो थक गई थी, मैं ज्यादा सफर नहीं कर सकती। सफर अंग्रेजी में या हिंदी में? हिंदी में। तभी मैं सो रहा हूँ, बम्पिंग हुई तो उठा देना मुझे। एक्सक्यूज मी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हमें कहा गया था कि आपको जन्मदिन की मुबारकबाद आसमान में दी जाए उड़ान के बाद। थैंक यू। जन्मदिन की मुबारकबाद? आज तारीख क्या है? तुम्हारे नाम से जीती हूँ, तुम पे मरती हूँ माया। माया, ओह, ये वही कर सकती है। नॉर्मल बात तो कभी करती नहीं। देखो क्या हवा में आके पकड़ा। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं आज आपका जन्मदिन है? अरे मुझे क्या मालूम, मतलब मुझे याद कहाँ था। नहीं, सच कह रहा हूँ सुधा, मुझे याद नहीं। हो जाइए आप, रास्ते में उतर मत जाना। इस पगली पर तरस भी आता है, प्यार भी आता है। तुम्हें क्या बताऊं सुधा, वो क्या है, कभी कभी बहुत डर लगता है उसके लिए। आपने शादी क्यों नहीं कर ली उसे? तुम्हें बताया तो था जब दोबारा मिलने आया था तुमसे, ऐसी इंपल्सिव है ना। एक बार क्या है ये? बेहतर देखो, क्या क्लासिक मोटरबाइक है, और ये इडियट इसे बेचना चाहता है। प्लीज ले दो ना। पागल हो गई हो क्या? इसे चलाएगा कौन, तुम या मैं? जो पेट्रोल भरवाएगा वो चलेगा। ओह अच्छा, तुम्हें आता है चलाना? अभी तो चला के ले आई, और कल से कितना बेटर चला रही हूँ, है ना गुड्डू? यस यस, यस्टरडे वाज मच बेटर, नो सर सॉरी टुडे। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें मालूम है कितनी खतरनाक चीज है ये? मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, 50 फ्रैक्चर लगे हड्डियों में उसको। मरा नहीं? मर जाता तो अच्छा था। तुम तो बस मौत से डरते रहते हो। इसे देखो, ये कब से चला रहा है, ये कोई मरा गुड्डू? यस यस, नो सर, आई मीन नो सर, नथिंग सर, नॉट येट, नथिंग। प्लीज ले दो ना। अरे पागल हो क्या? प्लीज मोहिंदर। अच्छा ठीक है, तुम ले लो, कभी कभी मैं भी चला लूंगी। ओके ठीक है। ये डन। बबलू को कहना मोना के घर आ जाए। हाँ गुड्डू को कह देना मोना के घर आ जाए कल। अच्छा तुम जानते हो ना मैं कहाँ रहती हूँ मोना के साथ। हाँ। बस कल वही आ जाना। हाँ। थैंक यू, वेलकम। तुम साथ जा रहे हो क्या? हाँ बस चलो, गॉड सेव मी। संभल के जल्दी चलो। ओके संभल के। हाँ ए बच के। हाय मोना। हाय माया, कहाँ? माया ये बच्चा किसका है भाई? माया का। हाँ माया का, माया का जायज बच्चा है। क्या बात कर रही हो? देखो इस लड़की के साथ कुछ भी मुमकिन है, जरा अंदर जाके देखो। हुँ? जाओ। हाँ दे देंगे। श्योर? पक्की बात? कृपया ध्यान दें, थोड़ी देर में हमारा विमान पुणे के हवाई अड्डे पर उतरेगा। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और धूम्रपान ना करें। धन्यवाद। मेरा तो उधर रखो ना उसे। स्लीपिंग पिल्स? इस्तेमाल तो कभी करती नहीं, पता नहीं कहां से ले आई, आधी से ज्यादा शीशी खा गई। तकिया उठाए तो नीचे पड़ी थी। होश में है कि नहीं? होश में तो आ गई है, लेकिन बार बार कहती है मोहिंदर के आने से पहले मुझे जाने दो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। नहीं, पैसे ले जाओ। I'll pay. नहीं नहीं मोना, come on here. अच्छा on the left side 18 number. 18.
गाल पे मत मारना, बहुत जोर से लगती है। Many happy returns of the day. Which day? This one. ये जो किया है उसके लिए मुबारकबाद दे रही हूँ मुझे? टाइमिंग गड़बड़ हो गई ना? सुना था मर की आत्मा ऊपर जाती है। सोचा था तुम्हारे प्लेन के पास से होकर तुम्हें गुड बाय कहती जाऊंगी, लेकिन प्रोग्राम ही बदल गया। यू नो, और आग से ज्यादा गोलियां खा लो तो भी नहीं मरता आदमी, सिस्टम उल्टी कर देता है। खुदकुशी करनी हो तो उतनी ही खानी चाहिए जितनी हजम हो जाए। स्टॉप इट। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी तारीफ की जाए, जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाए तुमको। डांट मत प्लीज, आई एम सॉरी। तुम्हारी आंखें पूछ दूं, धुंधला गई है। ये एम किसने लिखा है? दीदी ने? कब मिलाओगे दीदी से? कम से कम इस हालत में तो नहीं मिला सकता। दीदी को पता है? मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। कर रही हो? सूंघ रही थी। कहीं पीकर तो नहीं आए? बिना खाए सो गए? नहीं, भूख नहीं, नींद आ रही है। तो सो जाइए। भाई चली जाओ, आज स्कूल भी जाना था पंचकनी। क्यों, आपने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया क्या? नहीं, प्रिंसिपल से मिलना था। और माचिस कहां से पैदा कर लेती हो? सोचती हूँ दो तीन दिन माँ के पास भी रहा हूँ। आप आज के आज लौट आएंगे तो मैं लेने आ जाऊं? नहीं, मैं आ जाऊंगी। तो देखो, वहां पहुंच के फोन मत कर देना, मैं आधी रात को आ जाऊंगा लेने। मैं आ जाऊंगी। अपनी क्लास में मिली? नहीं, अभी जाऊंगी आपसे हाँ। मिलने के बाद। गुड मॉर्निंग। बहुत मिस करती हूँ मैं बच्चों को। घबराओ नहीं, थोड़े दिनों में तुम्हारे अपने हो जाएंगे, फिर मिस नहीं करोगी। नहीं, मिस तो मैं हमेशा करूंगी बच्चों को। हाँ भाई हाँ, once a teacher always a teacher। पर तुम्हारा वो नया स्टूडेंट कैसा है? He's a good student। सिर्फ एक ही मुश्किल है।
वो क्या भाई? यहाँ सिर्फ पौने घंटे की क्लास होती है, वहाँ 24 घंटे क्लास लगी रहती है। स्टूडेंट क्लास में हो तब भी, ना हो तब भी, सिखाना कम और सीखना ज्यादा पड़ता है। ज्यादा फूक लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए खुदकुशी की थी। असल में मैं जानती ही नहीं थी कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मेरा ख्याल है शादी भी कुछ ऐसी ही चीज है। बहुत ज्यादा प्यार हो जाए, खुदकुशी ना की, शादी कर ली। नहीं, अगली बार वही करना, शादी तुमसे। अच्छा, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते? मुझसे कर लो ना। अपनी ऊट पटांग बातें बंद भी करो। क्यों, दीदी को बुरा लगेगा? तुम अपना मुंह बंद करती हो कि नहीं? अपने मुंह से बंद कर दो ना। मैम साहब, तीन पैंट, दो और दो शर्ट। मैम साहब, ये क्या है? मैम साहब, मैम साहब, सब मिला के 20 और 4। 24। हाँ ठीक है। आपको कुछ कहना नहीं है मुझसे? क्या आप क्या इन दिनों माया से मिलते रहे हैं? मैं समझती थी आप मुझसे कभी कुछ छुपाते नहीं। नहीं, वो क्या है सुधा, मेरा ख्याल है हम माया को एक बार यहाँ बुला लें। उसे अवॉइड करके हमने ठीक नहीं किया। हम मुझे इसमें शामिल मत कीजिए। ना मैं किसी से मिलना चाहती हूँ और ना मैंने किसी को अवॉइड किया है। हेलो माया, तुम कितनी सदियों बाद तुमने खुद फोन किया। पिछली बार तो तुमने 600 बीसी में फोन किया था, उस वक्त तो गौतम बुद्ध भी जिंदा थे। और उस बार तो तुम माया सुनो सुनो, तो तुम आज शाम यहाँ आ सकती हो? चीखो मत माया, चीखो मत, प्लीज आहिस्ता। ओके ओके, डोंट गेट एंग्री। सुधा ने खुद तुम्हें बुलाया है। क्यों झूठ बोलते हैं आप? हाँ, मैं कब बुलाना चाहती हूँ किसी को? चुप रहो ना एक मिनट। आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा घर तो नहीं ले जाएगी उठा के। गॉड, हर जगह वही। I'm sorry. I'm sorry. हेलो, कहा ना मुझे इसमें शामिल मत कीजिए। रोज रोज आपके रुमाल पर कविताएं मिलती हैं, कभी लिपस्टिक के दाग मिलते हैं, कभी हाथ पर, कभी कोट पर, जेब से बुंदे मिलते हैं। आपको मिलना है उससे तो मिलते रहिए, लेकिन इस घर में वो नहीं आएगी। मैं अपने घर में इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। मैं रात को उसे लेकर आ रहा हूं। क्या करें अब? क्या कर सकते हैं, कुछ बता के जाए तो ढूंढे भी। हाँ।
Liquid Express, in which 25 persons were killed. The director of the Forensic Science Department, Professor P. Chandrasekharan, said... सुधा मैं खामखा आप दोनों के बीच आ गई इसलिए जा रही हूं मैं खामखा आप दोनों के बीच आ गई इसलिए जा रही मैं खामखा आप दोनों के बीच आ गई इसलिए जा रही आप तो थे नहीं दो महीने से आके बैठे यहां पता नहीं क्या हो गया उन दोनों के बीच में कुछ बताती भी नहीं और जवाई जी से ना मैंने पहले कभी बात की ना करने दी उसने अब कहां है वो वही वो स्कूल में वो पंचगनी में पहले तो शनिवार को आती थी वो लेकिन अब नहीं आती पता भी है कि मैं अकेली हूं बस पार्वती बस कर अब मैं जा रहा हूं ना बात करता हूं मुझे नहीं लगता है कुछ होगा अगर होना होता तो इन दो महीनों में जवाई जी आकर मैं सुधा से मिलता हूं देखता हूं क्या होता है नहीं नहीं दादू आप मत जाइए उनके पास मैंने आपसे कहा ना वो कैसे चाहते हैं एक दूसरे को मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा रोका कहती रही दादू को आ जाने दो इसलिए कि आप समझ सकेंगे मां नहीं समझ सकती और सच पूछिए तो इन्होंने एक पल के लिए भी बुरा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ दादू इन्होंने आपका मान रखने के लिए इतना सहा है आप उनका मान रखिए कुछ मत कहिए उनसे मत मिलिए और तू क्या करेगी मैं यहां काम कर रही हूं ना स्कूल में और जो पीछे छोड़कर आई है वो मैं तो बस निकल आई हूं इसे बहाना कह लो या कारण कह लो नहीं तो दादू कोई भी सुख से नहीं जी सकेगा न मैं न माया न वो ठीक है बेटी ठीक है तू अपने कर्म करती चल थोड़ा सा समय बीत जाने दे इस बीच अगर वो तुझे लेने आए ना तो चली जाना
पगली जिद ना करना हा? और अगर अगर नहीं आए तो फिर ठीक, फिर जो हो सो हो। शीप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश्यति। वाइस प्रिंसिपल हो जाओगी, पर दूर है यहाँ से। आप मेरा नाम लिख दीजिए प्लीज। फौरन जाना पड़ेगा, वो तो और भी अच्छा है, लेकिन महिंदर का क्या होगा? और क्या होना है मिसेस खारीवाला, 2 महीने हो चुके और इस बीच में महेंद्र मिला नहीं? नहीं। तुमने भी कोशिश नहीं की? कुछ दिन पहले फोन किया था तो माया ने उठाया, फिर मैंने फोन रख दिया, बात नहीं की। तलाक लेने की सोच रही हो? नहीं, देने का सोच रही हूं। जानबूझकर एक भूल की थी, आपसे शादी कर ली, आज उसके तलाफे कर रही हूं। सच तो यह है कि आपकी ईमानदारी ने मोल लिया था, पहली बार जब आप हाथ छुड़ाने आए थे और दूसरी बार जब आप हाथ मांगने आए थे। माया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, पर क्या करूं, मैं बहुत साधारण औरत हूं, जिद्दी भी हूं, चल भी जाती हूं, पिघल भी जाती हूं। जाते जाते आपका एक जरूरी काम किए जा रही हूं। दादू को मैंने समझा दिया है, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप माया से शादी कर लें। मेरी चिंता न करें, मैं अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी से जा रही हूं। जहां जा रही हूं वहां का पता नहीं आपको देना चाहती, नहीं चाहती कि आप मेरी तलाश करें। सुधा, यहां बैठियो, कब उठ के चली आई? काफी देर हुई। थोड़ी देर सो गई होती? नींद नहीं आई। पता ही नहीं चला कब शॉल उड़ा के चली गई, पानी का ग्लास रख दिया जैसे। पूरा घर साथ लेके चलती हो क्या? आपने भी तो सारा सामान ऐसे बिखेर रखा है जैसे घर में ही बैठे हो। तौलिया कहीं रखा है, साबुन कहीं पड़ा है, गीले कपड़े अभी तक बाथरूम में ही पड़े हैं।
मैं थी इसलिए या अभी तक वही आदत है? कुछ घर जैसा ही लग रहा है आज। सुधा जी, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है मुझसे? जरूरत है। क्या हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता? आदमी पछता सकता है, माफी मांग सकता है। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती। माया कैसी है? तुम्हें याद है जब हम कुद्रेमुख से वापस आए थे? उस दिन आपका जन्मदिन था। उसी दिन एक फोन आया था और आपको एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था। तुम्हें याद है सब? वही, मैं अस्पताल गया था। उस रात माया ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। फौरन तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा और उस वक्त चला गया था। उसके बाद कई रोज बाकायदा उससे मिलने जाता रहा। उसे बचाना अपना फर्ज महसूस हुआ। पागल तो वो थी, कभी रोती थी कभी लिपटती थी कभी लड़ने लगती थी। उसी में शायद एक दिन उसका बुंदा मेरे कोट में अटका रह गया था, जैसे ये शॉल में अटका तुम्हारा बुंदा मिला है। शायद मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। माया की हरकत से मैं डर गया था। संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि वो घर से भाग गई। वापस आया तो तुम भी जा चुकी थी। उस दिन पहली बार दिल का दौरा पड़ा। तुम्हारा जाना बुरा लगा, गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी। एक महीना अस्पताल में रहा, जब वापस गया तो माया भी लौट आई। मेरी बीमारी की खबर सुन के वो वापस घर आ गई। कुछ दिन वहीं रही मेरी देखभाल करने के लिए। ठीक है यार, जरा बर्दाश्त भी तो किया करो। बस दूसरे को ही जलाते रहते, कभी तुम्हारा भी तो धुआं निकले। बस बस नहीं, हो गया, हटाओ इसे। अभी पैर बाकी हैं। बड़े भद्दे पैर है तुम्हारे। तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छे हैं। अपनी शक्ल देखी है कभी? तुमने देखी है? दिन रात वही तो देखती रहती हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर खूबसूरत बना दिए, अपनी स्टैंप लगा दी। अब तुम खो नहीं सकते। खो जाओगे ना तो ये दिखा देना। क्या करूं तेरा? अच्छा डाल लो। तुझे लेकर तो फंस गया मैं। यू नो, मैं भी फंस गई। तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकती हूँ और तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। हेलो हेलो
क्या हुआ? मेरी आवाज इतनी पसंद आई डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं नहाने जा रही हूँ। नाश कर दिया इसका, धोखे लाए से। बदबू आ रही है। हाय मोहन, रोलेक्स क्या हाल है? बैठो बैठो मोना। बड़ी खुश नजर आ रही हो। एकदम खिली हुई। प्रेग्नेंट हो क्या? उसी की तैयारी हो रही है। अगले हफ्ते हम दोनों की शादी होने वाली है। रियली? अरे मुबारक हो मोना, मुबारक हो। लेकिन हमने कार्ड वार्ड नहीं छपाए, सिर्फ 8-10 लोगों को चर्च में बुलाया है। और पार्टी? पार्टी पार्टी तुम दोगे? नेचुरली। यार बड़ी कंजूस बीवी चुनी तुमने रॉडरिक। क्या करे यार, नहीं तो परसर की सैलरी से गुजारा होगा। माइंडर कैन आई यूज योर टॉयलेट? श्योर श्योर गो अहेड। माया कहाँ है? वो नहाने गई है। ओ महेंद्र, मैं शादी के बाद वो मकान छोड़ रही हूँ। ओ माया के बारे में मैंने लैंडलेडी से बहुत कहा लेकिन वो मानी ही नहीं। अभी तो ठीक है, माया तुम्हारे साथ रह रही है, लेकिन जब सुधा आ जाएगी तब क्या होगा? सच कहती हूँ, मुझे माया की बहुत फिक्र है। वो एकदम बेसहारा हो जाएगी। What will happen to her then? चले मोना, देरी हो जाएगी। ओके ओके, बाय, सी यू महेंद्र, सी यू, बाय। हे, क्या हो रहा है? घूमने जा रही हूँ। कहाँ? कहीं भी, सड़कों पर, नदी पर। अच्छा ठीक है, तुम बैठो पीछे, मैं चलाता हूँ। ओके मैं चलाता हूँ। बैठो। ओके ऑफ वी गो। तुम जाके दीदी को क्यों नहीं ले आते? मैं चले जाऊंगी। सच, तुम मेरी फिक्र मत करो। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें जाने के लिए थोड़ी कहा है। इसलिए थोड़ी ही, तुम सचमुच दीदी को ले आओ। और तेरा क्या करूंगा? मेरी शादी करा दो। किससे? जो तुम्हें अच्छा लगे। अरे तेरे लिए तो कोई तुझ जैसा पागल ही ढूंढना पड़ेगा, जैसे वो था दड़ियल बबलू। गुड्डू? गुड्डू वो तो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, कितना इनोसेंट है। अच्छा इनोसेंट है तो उसी से शादी करा दूं तेरी? हैं? हाँ, उसके पास तो मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल है इसलिए उससे शादी करना चाहती है? तो इसमें हंसने की क्या बात है? You're absolutely crazy. तेरा बांध के मोटरसाइकिल पर आएगा वो। तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं बुलाते तुम्हें? तुम्हारा जी नहीं चाहता उनसे मिलने के लिए? इस बार वहीं तो गई थी और जाके बहुत पछताई। उन दोनों में पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आता वो दोनों साथ में क्यों खिसट रहे हैं। पापा है जो कहीं कहीं रात घर नहीं आते, माँ है उन्हें बनने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उनकी उम्र अपनाना नहीं चाहती हैं। किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। जब दोनों साथ में रहते हैं तो एक दूसरे को नोचते रहते हैं। उम्र का बहुत फर्क है ना दोनों में? हाँ, सौतेली है तो क्या हुआ, मुझे पाला तो है। लेकिन कैसे?
हॉस्टल्स में रख रख के। आई हेट दैट ब्लडी अरेंजमेंट। चाय गरम। वो क्या है? खत करम, कल शाम का था, माधव देना भूल गया था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? किसी जरूरी काम से जा रहे हो? बहुत सीरियस लग रहे हो, कहीं झगड़ा करने जा रहे हो? सुलह करने, सुधा के पास जा रहा हूं। माया, मैं पता है क्या करने वाला हूं, तुझे सुधा के हवाले कर दूं, वो बहुत समझदार है। जो सच है और सही है वही कर सकती है। उसे जरूर मालूम होगा कि हम दोनों को क्या करना चाहिए। जानबूझकर एक भूल की थी आपसे। मैं दीदी को लेने पंचगनी जा रही हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी, बढ़िया यहीं पर। अगर इस घर से एक कदम भी निकाला तो गला घोटूंगा तुम्हारा।
गॉड, माय गॉड, ये क्या हो गया? सुधा, सारी रात मैं ही कहता रहा, तुमने कुछ नहीं बताया। मेरे पास था ही क्या कहने को, सब कुछ तो आप अकेले ही सहते रहे। मां कहां है? तुम्हारे साथ ही रहती हैं? मां नहीं है, गुजर गई। तो अकेली हो? ए सुधा, ओह, सो 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 सॉरी। आप आखिर पहुंचे गए ना? जी, जब मुझे पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई, मेरी तो जान निकल गई। टेलीफोन करने की कोशिश की, टेलीफोन नहीं लगता था। तो एक बार लगा भी, लेकिन कट हो जाता था टेलीफोन। हाँ, रियली आई एम टेलिंग यू। हाँ, उसके बाद मैंने कुलवंत से कहा, भाई मुझे काशीगांव छोड़ दो, वहां से यहां तक बस सर्विस है, आगे की ट्रेन टाइम्स तो मुझे मालूम ही है। ओ, बस बस पे चढ़ा तो जान में जान आई, लेकिन बस ड्राइवर की जान खा गया। मैंने कहा, बच्चे तेज नहीं चला गए तो ट्रेन क्या, मेरी बीवी छूट जाएगी। आपको जरूरत क्या थी इतनी दूर लेने आने की? हाँ, मुझे क्या जरूरत थी, बस वहां बैठे रहता, टेंशन में रहता और सिगरेट सिगरेट फूंकता रहता। अरे हाँ, ये लीजिए। देखा, that's it. Now, इसे कहते हैं ना, एक अच्छी खूबसूरत बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है। बस वो रात भर टेंशन में रहा, बस मैं सिगरेट पीता रहा। चलो कुली को बुलाकर आया हूँ, बैग बंद कर। कुली साहब। हाँ कुली, आओ। तुमने स्वेटर नहीं पहना? शॉल है ना। कहाँ है वो? एक्सक्यूज मी। मैं चलूं?
पिछली बार बिना पूछे चली गई थी, इस बार इजाजत दे दो। पिछले साल मैंने शादी कर ली, जीती रहो सुखी रहो। बहुत अच्छे पति मिले हैं तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं, वो सब जो मैं नहीं कर सका, भगवान करे भरपूर रहो। हो सके तो एक बार मन से माफ कर देना मुझे। पीछे क्या रह गया भाई, रिश्तेदार, कोई वाकिफ? अरे बताओ भैया, ऐसी भी क्या बात है? महेंद्र,